भव्य हिमालय पर्वत श्रेणियों से निकल अनगिनत नामों से शोभित भारत की उर्वरा भूमि से होते हुए जो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है वो है गंगा। सदियों से निरंतर बहती गंगा भारतीय सांस्कृतिक जीवन की पहचान है। सदा नीरा पावनी गंगा का भारत के इतिहास और संस्कृति से गहरा संबंध रहा है। कितनी ही परंपराएं, पौराणिक गाथाएं, गीत और लोक कथाएं गंगा से संबद्ध रही हैं और उसकी जलधारा का एक अंग बन गई हैं। गौमुख से गंगा सागर तक लगभग 2800 किलोमीटर लंबी यात्रा तय करती, कहीं तीव्र कहीं मध्यम तो कहीं शांत रूप से बहती गंगा भारतीय लोकमानस को सदा से ही भिगोती रही है। गंगा त्रिपथ दा नाम दिव्या भागीरथी तिचा त्रीन पथो भावयान्ति तस्मात् त्रिपथगा स्मृता। त्रिपथगा जाह्नवी, सुरसरी, देवनदी जैसे न जाने कितने नामों से सुशोभित है गंगा। गंगा से जुड़े हैं अनेक पौराणिक आख्यान। प्रचलित कथा के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्रों को शाप मुक्त करने के लिए कठोर तप करके राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए। यह विष्णुपदी शिव मौली सुता यह भीष्म प्रसु और जहन सुता वह देव निम्न गा स्वर गंगा वह सगर पुत्र तारिणी श्रुता। गंगा का उद्गम तिब्बत की सीमा पर हिमालय की गढ़वाल पर्वत श्रेणियों से हुआ है। ये स्थान बर्फ से ढका इतना दुर्गम है कि मूल स्रोत का पता लगाना कठिन है। गंगा का उद्गम जहाँ प्रकट रूप से दिखाई देता है वो स्थान गौमुख कहलाता है। गौमुख, गौ के मुख के समान दिखती बर्फ की चट्टाने।
यहीं से आरंभ होती है गंगा की यात्रा। कैसा अद्भुत है ये दृश्य, जमी बर्फ की परत के नीचे जल की पतली निर्मल धारा। दरारों से टपकती बर्फ की लकीरें, गगन के नीले विस्तार को स्पर्श करते हिम शिखर, सूर्य की सुनहरी किरणें आकाश को अलग अलग आभा प्रदान करती हैं। जब कभी धवल शिखर पर बादल घिराते हैं तो लगता है मानो किरणों की शिखरों से लुका छिपी हो। मन इस सौंदर्य को अपलक निहारता है, शब्द निःशब्द हो जाते हैं, रह जाती है तो केवल अनुभूति। शून्य में प्रकृति के साथ सहचर्य, प्रकृति की दिव्यता और भव्यता का अपूर्व आभास, मोह विमोह अनुराग विराग का संधि स्थल, ये स्थान कहलाता है तपोवन, भगीरथ की तपोस्थली। इस स्थान पर पेड़ नहीं है, केवल मिट्टी की चट्टाने हैं अलग अलग रंगों की। बहाते गंगा जी हे मां ने का बेचा, राजा भागे रथना हे मां तेरो तपस्या करे। बहाले गंगा जे हे मां हे मां ने का बेचा, गोमुखा ना छोटे गंगा मां जांदी हर द्वारा। निर्मल पारदर्शी जल अपने पथ पर निरंतर बहती जलधारा, घने जंगलों के बीच तिब्बत से आती नीलांग झील की अद्भुत नीलवर्णी धारा सहोदरा भागीरथी से मिलती है। गौमुख से एक बड़ी धारा उत्तर की ओर हिम नदी में आती है, यह है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनदी समुद्र तल से लगभग 3,900 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री से भागीरथी सकरी नदी का रूप लेती है। यहाँ ये धारा लगभग 44 फीट चौड़ी
और 4 फीट गहरी है, मानो जलप्रपात की धारा हो। पर यहां धारा का वेग बहुत तेज है। गंगोत्री का मार्ग लंबा और निर्जन है। भागीरथी के वेग से उत्पन्न महाशब्द प्रकृति में गूंजता है। इस पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता है अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां। आपने ध्यान दिया होगा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वृक्ष कम होते जाते हैं। गौमुख पर वृक्ष नहीं है, कुछ नीचे आने पर झाड़ियां आरंभ होती हैं, जिन पर मौसमी फूल लगते हैं। इस स्थान को कहते हैं पुष्पवासा। कुछ और नीचे आने पर भोज वृक्षों के घने जंगल मिलते हैं। यह स्थान कहलाता है भोजवासा। फिर आरंभ होते हैं चीड़ और देवदार के जंगल, चीड़वासा। अपने पथ पर बहती गंगा की धारा कहीं किल्लोल करती है तो कहीं चट्टानों के कारण अनायास शिथिल पड़ जाती है, कहीं चट्टानों के आसपास अपनी राह बनाती है ये धारा। यहां प्रकृति अपने प्रखरतम रूप में जन जन के इस विश्वास को और गहरा बनाती है कि उसके उपास्य का निवास यही है, यही कहीं। प्रकृति और विश्वास का अनूठा सामंजस्य है यहां। कुछ पल प्रकृति की गोद में बिताने का आह्वान। जो मुख्य धारा गौमुख से निकलती है वो भागीरथी कहलाती है। कुछ अन्य धाराएं हैं, जैसे अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडार। जहां वे एक दूसरे से मिलती हैं वे स्थान प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौलीगंगा, नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी धाराएं एक दूसरे से मिलती हैं। गौमुख से गंगोत्री, उत्तरकाशी, देवप्रयाग की यात्रा करती हुई गंगा ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचती है। यह है गंगोत्री मंदिर, जो भागीरथी के तट पर है, जिसे 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा ने बनवाया था। ते दे शास्त्रे जनपदा पर्वता शास्त्रमास्ते एषां भागीरथी गंगा और मत्ते नेति शरद वरम। वो देश, वो जनपद, वो आश्रम, वो तीर्थ धन्य है। इसके मध्य में भागीरथी की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये गंगा जल केवल हमको एक पानी नहीं लगता है, ये अमृत है और फिर ये एक माँ है। जहाँ हम सर्दियों में भी कभी गंगा जी के किनारे आके एकांत में जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे माँ के आंचल में बैठे हों, जैसे माँ की गोद में बैठे हों। गंगा तट पर बसे अनेक स्थानों में एक प्रमुख स्थान है देवप्रयाग। समुद्र की सतह से लगभग 600 मीटर ऊंचाई पर बसा भारत का प्राचीन तीर्थ देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी धाराओं का संगम। ये दो धाराएं
यहीं से कहलाती हैं गंगा। दो वेगवती धाराओं के बीच एक विशाल शिला, ये शिला दो धाराओं का संगम है, ऋषियों की तपोस्थली है, जिसे नाम मिला देवप्रयाग। जल के श्वेत झाग से उत्पन्न संगीत, सुर और ताल, इस अमृत जल को अंजलि में भरकर अर्घ्य देते स्नानार्थी, ये धार्मिक परंपराएं मानव का आभार हैं जल के प्रति, प्रकृति के प्रति, सृष्टा की अलौकिकता के प्रति, जाति देश काल से परे आस्था, निश्चल विश्वास। और साक्षी हैं ये पर्वत श्रृंखलाएं, यही विश्वास तो मानव को प्रकृति के साथ जोड़ता है, प्रकृति पर मानव की निर्भरता का स्मरण दिलाता है। कैसा है यहाँ का पर्वतीय जनजीवन? एक ओर नवीं शताब्दी में बने रघुनाथ मंदिर की 120 सीढ़ियां चढ़ते श्रद्धालु, और दूसरी ओर है पर्वतीय जीवन का संघर्ष, पल भर सुस्ताता कर्मठ जीवन। प्रकृति की ऊर्जा से स्पंदित जीवन प्रकृति से ही लेता है संघर्ष की ऊर्जा भी, ऊंचे पर्वतों वृक्षों के बीच संकरे रास्ते से होकर। छोटे छोटे झरनों का पानी समेटती अपने पथ पर आगे बढ़ती गंगा धारा दो घाटियों के बीच पतली और सर्पाकार दिखाई देती है। दुर्गम घाटियों में चट्टानों से झर झर गिरते निर्झर गंगा की धारा में मिलकर एकाकार हो जाते हैं। अरण्यों पहाड़ों के बीच बसे उत्तरांचल के छोटे छोटे गांव, सीढ़ीदार खेत, इन सब की जीवनदायिनी है ये गंगा। तट के दोनों ओर के खेतों को सींचती, इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से आलू ज्वार गेहूं मक्का और धान की खेती की जाती है। भेड़ बकरी पालन और कृषि आजीविका के साधन हैं। कैसा है ये वन प्रांतर का दृश्य, एकांत सौंदर्य में झलकता जीवन, विषमताओं में भी कितना जीवन। गंगा जल तो हम तो बहुत अच्छा मानो, पूजा मांगो गंगा जल, पूजा खातिर भी काम आऊ, अरे का की अच्छी जगह में काम आऊ, पूजा की अपने पानी खातिर भी गंगा जल काम आऊ, हमारे खेती खातिर भी गंगा जल काम आऊ, और चैन पशु खातिर भी सब चीज, पेड़ पौधा जो कुछ सब चीज काम आऊ। सिंदूरी सांझ उतर आई है, लगता है प्रकृति ने नभ पर अबीर बिखेर दिया है। गंगा की अनथक यात्रा पर बीच में आती ये गहरे भंवर, मानो एक लहर दूसरी लहर से गले मिल रही हो। अगला पड़ाव है उत्तरकाशी नगर। मान्यता है कि स्वयंभू है शिव यहां, स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग। यहां एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं पुल, ये विशेष पुल रस्सियों से बने हैं, यही हैं यहां की सड़कें। यहाँ भी जंगलों की अपार संपदा है,
संपूर्ण क्षेत्र की विशेषता है धारा का छलकता वेग। गंगा तट पर बने अनेक मंदिर, ये मंदिर अधिकतर यहीं के पत्थर के बने हैं। लकड़ी पर नक्काशी भी है। इनके शिल्प की विशेषता ये है कि लकड़ी और पत्थर लोहे की सलाखों से जुड़े गए हैं। ये इतने सुदृढ़ हैं कि भूकंप की आशंका वाले हिमालयी क्षेत्र में भी शताब्दियों से खड़े हैं। विविध प्रकार की वनस्पतियों के वैभव से संपन्न है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। जंगलों चट्टानों के बीच से बहती गंगा अपने साथ अनेक प्रकार के खनिज और औषधीय तत्व समेट लेती है जो गंगा के जल को विशेषता प्रदान करते हैं। गंगा जल पर हो रहे अनुसंधान बताते हैं कि इस जल में कुछ ऐसे खनिज तत्व और सूक्ष्माणु हैं जो अनेक प्रकार के प्रदूषण को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों के औषधीय गुणों की पुष्टि प्राचीन ग्रंथों में भी है। अथर्ववेद में स्तुति की गई है, हिमवतः प्रस्रवन्ति सिंधो समः संगमः आपोहम अस्यम तत् देवीर्दहन हृद्योत भेषजम। गंगा तट पर बसा एक प्रमुख तीर्थ स्थान है ऋषिकेश। वेगवती गंगा पहाड़ों को पीछे छोड़ती यहाँ समतल धरती पर उतरती है। यहीं से आरंभ होती है इसकी विशालता। धाराओं के वेग के कारण लगातार चट्टानें टूटती रहती हैं। धाराएं अपने साथ सदियों से मिट्टी बहाकर लाती रही हैं। इस मिट्टी के जमाव से बना है विशाल गंगा मैदान जो अत्यंत उपजाऊ है, जहां निवास करता है भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग। गंगा हजारों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है और इन मैदानी क्षेत्रों को उपजाऊ बनाती है। ऋषिकेश और यहाँ का प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला, संतों महात्माओं की आश्रय स्थली, कितने ही आश्रम मंदिर धर्मशालाएं हैं यहाँ, धार्मिक प्रवचनों का आयोजन स्थल, आध्यात्मिक सत्संग का केंद्र। पवित्र पीयूष पूरित जल बिंदु भव भय उत्तारिणी गंगा। ऋषिकेश के तीन भाग हैं, ऋषिकेश, मुनि की रेती और स्वर्गाश्रम। मुनि की रेती के मध्य चंद्रभागा नदी गंगा से मिलती है। ऋषिकेश के कुछ ही आगे है हरिद्वार, हरि का द्वार। भारतीय मानस के श्रद्धा और विश्वास का एक प्रतीक। यहीं से गंगा मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा के किनारे संपन्न होते हैं कितने ही अनुष्ठान, कितने कृत्य। गंगा के जल से गंगा का अभिसिंचन। अधिकांश संस्कृतियों का विकास नदियों के तटों पर हुआ है, अतः नदियों के प्रति भक्तिभाव हमारी संस्कृति की विशेषता है।
स्नान करने वालों के गीले पैरों से भीग उठती हर की पौड़ी। गंगा की दृष्टि में समभाव है, ना कोई छोटा ना बड़ा, अपनी शीतलता वो समान रूप से बांटती है। कोई आशीर्वाद मांगे वो संकोच नहीं करती, पर वो रुक नहीं सकती, उसे तो बढ़ना है आगे आगे लगातार अपने गंतव्य की ओर, सागर तक। अनेक साम्राज्यों संस्कृतियों के उदय और अस्त की कथा व्यथा को समेटते संभवतः मानव संभाल नहीं पा रहा है गंगा की निर्मलता को। हरिद्वार तक आते आते पर्वतीय निर्मल गंगा खो रही है अपनी स्वच्छता निर्मलता। गंगा मात्र नदी नहीं, भारतीय संस्कृति की पवित्र धारा भी है। सांझ उतर आई है, पर गंगा तट पर तो फैले हैं उजाले के बेल बूटे। यात्रियों का जय घोष कह रहा है गंगा की अनूठी गौरव गाथा। शतमुखी दीपाधार दिशाओं में ज्योति का आलोक भर देते हैं, लोक में आलोक और आस्था के असंख्य दीप जल उठते हैं। ज्योतिर्मय हो उठता है गंगा तट। गंगा एक अनिर्वचनीय अलौकिक अनुभूति है जो स्वयं जीवन भी है और जीवन से जोड़ती भी है। हम ना तो उसकी उपेक्षा कर सकते हैं ना ही उसकी अवहेलना, क्योंकि वो तो जीवनदायिनी है। मानव अपने अस्तित्व के लिए निर्भर है जल पर, यही हमारी गंगा सदा नीरा गंगा आगे जाकर जनजीवन का स्पंदन बन जाती है, भारतीय संस्कृति की प्राणधारा, साहित्य की स्वतस्विनी, लोक जीवन की भावधारा। ये हमारे हित में है कि इसकी निर्मलता बनी रहे, मैदानी धरती को उर्वरा बनाती, हमारी तृषा बुझाती, गंगा यूं ही बहती रहे निरंतर लगातार अनवरत।